नगर परिषद बकोहो में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हो रहा शोषण, कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। प्रदेश सरकार भले ही कर्मचारियों के लिए योजना बना ले, पर शासकीय कार्यालयों में आज भी कोरोना काल के कार्य कर रहे मास्टर कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग में डालकर शोषण किया जा रहा है। यहां नौकरी के लिए लोग पढ़ाई करते हैं, पर नगर परिषद बकोहो में पढ़ाई का कोई मायना नहीं। राजनीति के चलते आज नगर परिषद बकोहो में पूर्व में कार्य कर रहे मास्टर कर्मचारियों को ठेके में डाल शोषण किया जा रहा है। वहीं नगर परिषद बकोहो में आज 2 महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दिया गया। आखिरकार कौन है इसके पीछे? विवादों की घेरे में रहने वाली नगर परिषद बकोहो अपने कारनामों के कारण जिले से लेकर प्रदेश तक चर्चे में है। जिसने कोरोना काल में काम किया उन्हें ही नेताओं ने मिलकर ठेके में डाल दिया और अब शोषण किया जा रहा है। वहीं मुख्य नगर परिषद अधिकारी शिव कुमार धुर्वे अपने तानाशाही रवैये के कारण चर्चे में है। वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग खत्म करने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। पूर्व कलेक्टर वंदना वैद्य ने नगर पालिका नगर परिषद के अधिकारियों को समय पर कर्मचारियों के पेमेंट कराने के निर्देश दिए थे। अब नगर परिषद बकोहो CMO अपनी तानाशाही रवैये के कारण 2 महीने से कर्मचारियों के पेमेंट नहीं दिला सके। वहीं नगर परिषद कर्मचारी एकजुट होकर न्याय की गुहार लगाई है। नगर परिषद बकोहो के पार्षदों ने CMO व अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं जब मीडिया ने CMO शिव प्रसाद धुर्वे से बात करना चाही तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया व फोन काट दिए। शहडोल से जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। क्यों यहां पर अनशन कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। विगत कई वर्षों से जब से इस नगर परिषद का गठन हुआ है 2020 तब से हम लोग यहाँ पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत हैं और आज 3-4 वर्षों से हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या समय पे पेमेंट न मिलना होता है। और अभी कुछ दिन पूर्व ही स्वच्छता विभाग वालों ने अनशन किया था। हम लोगों को 54 आदमी हम लोग एक साथ में भर्ती हुए थे, वो 54 आदमी में 17 आदमी को मास्टर रोल में रख लिया गया और हम लोगों को ज़बरदस्ती ठेके में डाल दिया गया है। हम लोगों का यही निवेदन है कि ठेके से हम लोगों को हटाते हुए पूर्व की भांति हम लोग जैसे मास्टर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे थे, उसी प्रकार से हम लोगों को मास्टर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य दिया जाए और हम लोगों का जो वेतन मान है हर महीना एक निर्धारित समय दिन निश्चित करके और हम लोगों को वेतन मान दिलवाया जाए जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। आपके यहाँ के CMO का क्या कहना है इस मामले में? CMO साहब इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। क्या नाम है CMO का आपके? श्री शिव प्रसाद धुर्वे जी, प्रकाश सोनी, वार्ड क्रमांक 10 पार्षद। यहाँ कर्मचारियों का पेमेंट, कर्मचारियों ने आज काम बंद किया है और उन्होंने कहा पेमेंट नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? उनका वेतन नहीं होगा तो काम बंद ही करेंगे, और वेतन क्यों नहीं किया जाए? जब ऊपर से आदेश आ चुका है वेतन देने का तो वेतन दे, वेतन कहाँ गया इसकी जांच की जाए। और CMO उपाध्यक्ष क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, इनको आगे आके वेतन देना चाहिए कर्मचारी ताकि काम हो सके आगे। बात यहाँ आउटसोर्सिंग की है कि पहले आउटसोर्सिंग में कर दिया गया था ठेकेदारों ठेकेदारी में और इसके बाद में कुछ लोग को मास्टर किए तो पुनः एक बार ठेकेदारी प्रथा शुरू करने वाले, तो इस पर क्या करें? ठेकेदारी प्रथा तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इनको रेगुलर रखना चाहिए। बार बार ठेकेदारी तो एक बार पास किया गया था, मना किया गया था कि ठेका प्रथा नहीं होगा, फिर दोबारा जबरदस्ती अपने निजी कारणों का ठेका प्रथा में ला के रख दिए। ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।